नमस्कार। तो आज शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, एक बार नहीं 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस लाता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ये खुद पर एक विश्वास दिखाता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मैदान को छोड़कर मत भागिए। आपको जिस मैदान में आपको युद्ध लड़ना है, उस मैदान में आप अपना जी जान लगाइए। एक बार आप विफल होइएगा, 2 बार विफल होइएगा, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। चुनौतियों का सामना डट के कीजिए। ये इतिहास हो या विज्ञान हो या ये गणित हो या वो इंग्लिश से क्यों नहीं हो, आपको इन सब चीज़ों से एकदम बिल्कुल नहीं डरना है ना भागना है। तो इसी के साथ मैं आज शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और इतिहास से जुड़े हर भरे अहम जानकारियों के साथ मैं आपको आज फिर से एक अपनी क्लास में आपको लेके आया हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास को किन स्रोतों के आधार पर हम पढ़ते हैं, कौन से साक्ष्य मिले हैं या फिर किस स्रोत के आधार पर हम इस चीज को पढ़ेंगे। और मेरे साथ आपको आज ये भी बताऊंगा कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने कालखंड में बांटा गया है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। तो पाषाण काल उस कालखंड को कहते हैं जिस कालखंड में लोगों को लिपि या फिर अक्षर का ज्ञान नहीं था। यह आदिम लोगों का इतिहास गुफा चित्रकारी, पत्थर औजार, हड्डियों की तथा इन सब चीजों से हम पता करते हैं। तो इन कारणों से हम पाषाण काल कहिए या इसको प्रागैतिहासिक काल कहिए, इन चीजों को हम जानते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इतिहास को किन कारणों से, किन स्रोतों के आधार पर हम जानते हैं, हमें क्या साक्ष्य वैसे मिलने वाले हैं जिनके आधार पर हम जान पाएंगे कि इतिहास सच में उस समय का था। तो इतिहास को जानने के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो 3 कारणों से हम इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो कि पहला विदेशियों का विवरण होता है। जैसे विदेश से आए लोग भारत में आके यहाँ पे दर्शन करते हैं, यहाँ के बारे में लिखते हैं, कुछ किताबें लिखे गए जो चाइना में लिखा गया, जो यूनान के यात्रियों ने लिखा। तो इन यात्रियों के जो लिखा गया था तो इनका विदेशियों के विवरण के द्वारा हम जान पाएंगे। दूसरा टॉपिक है साहित्यिक साक्ष्य, अर्थात जो किताबें लिखी गई हैं, जो भारत में रहकर भारत की किताब लिखी गई है, जो ग्रंथ लिखी गई है, हम उन आधार पर पढ़ सकते हैं। तीसरा चीज रहेगा प्राकृतिक साक्ष्य, जैसे कोई औजार मिलना, कोई पुरानी मंदिर मिलना या फिर कोई भी स्मैक मिलना। तो इन कारणों से हम जानेंगे इतिहास में कब और किस समय क्या हुआ। तो आज का टॉपिक मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि प्रागैतिहासिक काल होता क्या। तो प्रागैतिहासिक काल का मैंने आपको डिफिनेशन दे दिया, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रागैतिहासिक काल में किस काल काल को बांटा गया। तो इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आता है। इसमें आप पूरा पाषाण काल में पढ़िएगा कि लोग जब यहाँ बसने आए तो शुरू में वो क्या करते थे, जैसे कि वे शिकारी थे, जैसे वह कंदमूल या फिर वह फल फूल खाकर रहते थे। जब वो मध्य पाषाण में आए तब उन्होंने औजार बनाना शुरू किया, आग की खोज की और उन्होंने अब थोड़ा थोड़ा खेती करना शुरू किया, कृषि उन्होंने करना शुरू किया। उसके बाद जब आप पूरा पाषाण काल में आइएगा तो इस समय आग की खोज भी हुई और इस समय लोगों ने अपने कृषि को एक बहुत उन्नति पर ले गए और उसके साथ वो लोग पशुपालक भी हो गए। तो ये थी आज की क्लास जिसमें आपको बताया गया पूरा पाषाण काल के बारे में। ये आपको पूरा मैंने पाषाण काल के बारे में बताया। अब आगे मैं आपको अगली क्लास जो कि मंडे को होगी उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु के बारे में आपको पूरा ब्रीफ में जानकारी दूंगा और नए नए तथ्य ला के दूंगा। पाषाण काल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं इसको अधिक आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें आप बोरियत हो जाएंगे। इसको अधिक पढ़िएगा, इसमें आपको एग्जाम में आता है ना कुछ आएगा, इससे आप पढ़ के बोर हो जाएंगे। तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिएगा पाषाण काल से, और बाकी सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जिसके बारे में आपको नए नए तथ्य के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपने बात को यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।